سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء. रास्ते में हमारे खंबे ही खंबे हैं और ये काफ़ी लंबे ही लंबे हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर डाइनिंग वेयर आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट. आई एम डन विद माय ब्रेकफास्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर द क्लासेस. सो टुडे इज 10th of October और सर सैयद डे आने में अभी पूरे एक हफ्ते है. करेक्ट 7 दिन है, मतलब 17 अक्टूबर को है जिस दिन सर सैयद डे होता है हमारे हॉल में. उस दिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो सेलिब्रेशन होगा उसे कवर कर सकूं इंशाल्लाह. दिस इज द बैकयार्ड ऑफ मौलाना आजाद लाइब्रेरी. इसका सेकंड गेट है जो हमारे हॉस्टल से नजदीक पड़ता है और ये जो सेकंड गेट है ये मेरे फैकल्टी से नजदीक पड़ता है, आर्ट्स फैकल्टी. काफी पीसफुल है यहाँ. अभी ये नया ही लगा हुआ है, पहले नहीं था. काफी साफ सुथरा है इतने सारे लोग आने के बावजूद. अस्सलाम वालेकुम. भैया क्लास हो चाहे घर हो, म्यूजिक बजेगा हर जगह. और ये बादल फटने की वजह से डीन ऑफिस में धुआं धुआं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी तो हम जीवित रहेंगे. जनाबे आली अपनी नींद में कौन सा सपना देख रहे हैं? बताने वाले को 50 रुपए का इनाम. अरे बाहर कीमती साइकिल खड़ी है. और ये सर सैयद की तैयारी में दिलो जान से काम करते हमारे भाई बंधु. अब बात अगर सर सैयद डे की हो रही है और सर सैयद अहमद खान की बात ना करें तो फिर थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा. शोर हो रहा है पीछे, क्रिकेट खेल ले लोग. सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ था 17 अक्टूबर 1817 में. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड करने से पहले उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे बहुत अलग अलग जगह पे, जैसे कि मुरादाबाद में उन्होंने बनाया था गुलशन कॉलेज और गाजीपुर में उन्होंने बनाया था विक्टोरिया कॉलेज. उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी 1864 में. फिर उसके बाद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में फाउंड किया था, जिसका नाम ऑफिशियली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा 1920 में. पहले जो ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये वही बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटा था. इसका कैंपस टोटल यहाँ से शुरू होता था और ये यहाँ पे बस जितने आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे बॉर्डर पे ख़त्म हो जाता था. फिर उसका धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी जगह भी बढ़ती गई. और ये जो मेरे पीछे है ये स्ट्रेचिंग हॉल है. यहाँ पे पहले कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे जो कि अब शिफ्ट हो गए हैं कैनेडी ऑडिटोरियम में. सर सैयद डे एएमयू का सबसे ग्रैंड इवेंट है और इसकी तैयारियां हफ्ते भर पहले से ही शुरू हो जाती हैं. सारे हॉल में फंक्शंस होते हैं, सारे हॉल में फिर गेट टुगेदर होता है. इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे भी कवर करूँगा. दुनिया की सबसे गोल सीढ़ी. सर सैयद डे के बैनर्स पूरे एएमयू कैंपस में लग चुके हैं. हर जगह पे आपको सर सैयद डे के बैनर्स दिख जाएंगे. ये आपके सामने सर सैयद अहमद खान की फ़ोटो है और ये उनके बारे में कुछ लिखा गया है. बॉर्न इन दिल्ली ऑन अक्टूबर 1817 इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ही वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. दैट वॉज सो. और ये हैं सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस सैयद महमूद. और ये सबसे पहले इंडियन जूरिस्ट थे जो कि अलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे. और ये हैं नवाब मोहसिनुल मुल्क जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और सर सैयद अहमद खान के बहुत ही करीबी दोस्त थे. और ये हैं नवाब वकारुल मुल्क, ये भी सर सैयद अहमद खान के बहुत ही करीबी दोस्त थे और ये भी एक पॉलिटिशियन थे. ये जो आपके सामने है ये है सर सैयद अहमद खान का डायरेक्शन कंपास और ये है उनकी वॉकिंग स्टिक. इस एरिया में एंट्री अलाउ नहीं है. ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं ये सर सैयद अहमद खान का ही है. और सामने जो आपको रेहल दिख रही है ये बड़ी सी रेहल, ये भी उन्हीं की है. पहले ज़माने में बड़ी रेहल होती थी और कुरान भी काफ़ी बड़ी होती थी. और ये टेबल चेयर उन्हीं की है, उनको बुक्स लिखने का बहुत शौक था तो शायद तब ये यूज़ करते थे. ये है एएमयू के अलमनाई की फ़ोटोज़, ये काफ़ी पुराने हैं. इसमें है राजा बलदेव बख्श और काफ़ी नवाब राजा, यही सब लोग हैं. और ये है सर सैयद अहमद खान की जीनियोलॉजी. सर सैयद अहमद खान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की फैमिली में से थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सैयद अहमद खान के पूर्वज थे. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एरियल व्यू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, जो कि मेरे हिसाब से कुछ 40 साल पुराना होगा, 40-50 साल, मुझे पक्का नहीं पता है, मैं फ़ोटोग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ. और ये है यूनियन हॉल जहाँ पे इलेक्शन जब होता है और जो लोग उसमें जीतते हैं उनकी ऑफिसेज यहाँ पे रहती हैं. और ये यहाँ पे जो है ये स्ट्रेचिंग हॉल है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, आपको बता रहा था, यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे पहले, अभी भी होते हैं.
और अगल बगल इसके हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे मेरा हॉस्टल है जिसका नाम ओस्मानिया पर है, और ये है मस्जिद। मतलब सब जो पहले जैसा था वैसे अभी भी है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। लोग आजकल बास्केटबॉल खेलते समय भी फ़ोन हाथ से नहीं छोड़ते हैं। आई होप तो आपको आज सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली होंगी। और इन्हीं सब के बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो अभी मैं जा रहा हूँ हेल्थ सेंटर जहाँ से मैं दवाएँ लूँगा। दवाएँ तो ये है अपना यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर। सो हियर आर द मेडिसिंस विच आई विल टेक सो दैट आई विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह। Today is 16th of October and tomorrow we have Sir Syed Day and you can see lights everywhere and many of you will be thinking that AMU is wasting so much of electricity by just putting these much of lights. But I must tell you guys one thing that AMU has India's largest non-commercial power source. तो ये preparations चल रही हैं, lights लगाए जा रहे हैं और नए दरवाजे लग रहे हैं paint करके। यहाँ दो दिन में सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ सरकार को एक टॉयलेट बनाने में सालों लग जाते हैं, मगर एएमयू में सिर्फ दो दिन में पूरा एएमयू चेंज हो जाता है, नया हो जाता है, माशाल्लाह। सिर्फ पेंट ही नहीं, जितनी भी यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग है सब की जा रही है। लुक, यही वो दरवाजे हैं जिन्हें कल पेंट किया जा रहा था और आज लग के खड़े हैं सामने। दिस इज द प्लेस वेयर द फूड फॉर द स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। सो करंटली वी आर एट द एथलेटिक्स ग्राउंड टू अटेंड द स्पीच ऑफ किसका था। यू कैन सी द होल अमाउंट ऑफ रश ओवर हियर, सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, नॉट ओनली स्टूडेंट्स द पेरेंट्स आर आल्सो हियर। अल की जबान में अफकारे सर सैयद, तालीमात सर सैयद, अंदाजो अतवारे सर सैयद बहुत खूबसूरत पैराए में दुनिया के सामने मौजूद है। एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश्ड इन 1985, द सेंटर इज डेडिकेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ better understanding between the Islamic and Western worlds of learning. So I'm back to my hostel. वहाँ पे प्रोग्राम कुछ अभी दो तीन घंटे और चलना था, इसलिए मैं आ गया, क्योंकि अभी जोहर का टाइम हो रहा था, नमाज का टाइम, तो मुझे आना पड़ा। अब मैं सीधे रात में स्टार्ट करूँगा व्लॉगिंग। अल्लाह हाफिज़। Let's see what's going on the other side of the hostel. Oh my God. Time to end this vlog. See you in the very next vlog. Till then, take care. Allah Hafiz. मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी में आपको जो कुछ भी करना है सब करो, बस अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से चलो। इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और दीन की भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।